जावरियो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन इट कुड नॉट बी डन, जो कि हमारी पोइम है। और इस पोइम के आप लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला सवाल है हमारे पास, रीड द स्टोरी डिटर्मिनेशन अगेन। ये इससे पिछला लेसन जो था इसी यूनिट का, हमारे पास यूनिट नंबर 4 का लेसन है डिटर्मिनेशन। कहते हैं कि उसकी आप स्टोरी दोबारा से पढ़ें। हाउ इज़ दिस स्टोरी एन एप्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द पोइम इट कुड नॉट बी डन। तो वो अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से इस डिटर्मिनेशन की जो स्टोरी है ये डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि बयान करती है, एप्ट कहते हैं बिल्कुल मुनासिब एक्यूरेट ऑफ द पोइम इट कुड नॉट बी डन, कि आपने जो अभी ये पोइम पढ़ी है कि ये नहीं हो सकता, उसकी स्टोरी, उसकी और डिटर्मिनेशन की स्टोरी आपस में बिल्कुल एक दूसरे को मुनासिब अंदाज से किस तरह बयान करती है। तो फ्रेंड्स, वो इन दोनों चीज़ों का इस तरह से कम्बिनेशन करके सवाल हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेशन में भी क्या था कि आपने देखा है कि जॉन रॉबलिंग जो थे वो चाहते थे कि मैं इस तरह का ब्रिज बना दूँ, एक ऐसा ब्रिज हो, जबकि सारे इंजीनियर्स, सब लोगों ने उन्हें मना कर दिया। इवन के इंजीनियर्स ने भी कहा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपना मकसद नहीं छोड़ा, इवन के उनकी जान भी चली गई। उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनका बेटा इस कदर ज़ख्मी हुआ, मतलब वो ज़िंदगी भर के लिए जो है माजूर हो गए चलने फिरने से, बात करने से, लेकिन फिर भी बेटे ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने फादर के ख्वाब को पूरा करके दिखाया, जो इस पोइम में बार बार रिपीट किया गया है कि इट कुड नॉट बी डन, कि ये नहीं हो सकता, यू कैन, कि तुम कर सकते हो। तो वही बात है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेशन की स्टोरी है और इट कुड नॉट बी डन जो पोइम है, ये एप डिमॉन्स्ट्रेशन है, यानी कि बिल्कुल मुनासिब जो है डिमॉन्स्ट्रेशन है एक दूसरे का। तो इसलिए इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, इसमें आप लोगों ने लिखना है, द स्टोरी डिटर्मिनेशन इज़ एन एप्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द पोइम। कि ये बिल्कुल हम कह सकते हैं डिटर्मिनेशन जो पुरअज़म जो कहानी है हमारी, वो हमारी इस पोइम का, इस नज़म की बिल्कुल ही मुनासिब बयान करती है, मतलब सेम बात है, इट कुड नॉट बी डन जो हमारी पोइम का नेम है। द जॉन रॉबलिंग इंटेंटेड टू कंस्ट्रक्ट अ स्पेक्टेकुलर ब्रिज। अब जॉन रॉबलिंग, उनका इरादा था क्या कंस्ट्रक्ट तामीर करने का एक शानदार अजीमुशान ब्रिज दैट कनेक्ट न्यूयॉर्क विद द लॉन्ग आइलैंड। वो क्या चाहते थे कि वो ऐसा शानदार ब्रिज बनाऊं जो कि दो शहरों को, एक न्यूयॉर्क को जोड़ दे किसके साथ, लॉन्ग आइलैंड के साथ। अब क्या हुआ कि वहाँ पे उनकी जो कंस्ट्रक्शन वाली साइट है वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, और उसी एक्सीडेंट के नतीजे में डेथ हो गई जॉन रॉबलिंग की। आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन रॉबलिंग, जॉन रॉबलिंग की वफ़ात के बाद हिज सन वाशिंगटन इन स्पाइट ऑफ हिज हैंडीकैप, उनका बेटा वाशिंगटन बावजूद इसके कि वो माजूर हो चुका था, वॉज नेवर डिस्करेज्ड, वो बिल्कुल भी मायूस नहीं हुआ, उसने डिस्करेज नहीं किया, अपना हिम्मत हौसला नहीं तोड़ा, अनटिल जब तक द ब्रिज वॉज फाइनली कम्प्लीटेड, कि वो जो पुल है वो मुकम्मल तौर पर जो है आखिरी मरहला उसका मुकम्मल ना हो गया। अदर पीपल थाट दैट, दूसरे लोग यही सोचते थे कि इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये काम नामुमकिन है, बट दे डिड इट, दे से मुराद है बाप बेटा यानी कि जॉन रॉबलिंग और वाशिंगटन, लेकिन उन्होंने ये काम करके दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वुड हैव बीन द रिएक्शन ऑफ द पीपल, के लोगों का रिएक्शन जो है वो क्या होता टू बूफियर। उस बूफियर, यहाँ पे बात हो रही है हमारी यूनिट नंबर 4 के सेकंड लेसन के, मैन हु प्लांट ट्री के, इफ़ दे हैड डिस्कवर्ड दैट, अगर उन्हें ये बात पता लग जाती द शेफर्ड इंटेंट, के वो जो चरवाहा है उसका ये इरादा है टू पॉपुलेट अ माउंटेन रेंज, के पहाड़ों की जो हदूद है उसे विद ओक एंड बिर्च ट्रीज, के वहाँ पर वो ओक के और बिर्च के जो दरख्त हैं वो उगा दे सिंगल हैंडेड, सिर्फ अकेला होने के बावजूद। थिंक ऑफ द फ्रेजिस एंड द सेंटेंसेस दैट दे वुड हैव यूज्ड अबाउट हिम। अब वो कह रही हैं कि आप उन फ्रेजिस के, उन जुमलों का बारे में हमें बताएं जो आपके जहन में आते हैं, कि लोगों को अगर पता लग जाता उसके इरादे पहले से ही कि अकेला एक बंदा कैसे वहाँ पर पूरा जंगल उगा सकता है, तो लोग उसके बारे में क्या फ्रेजेस बोलते, कौन से जुमले ऐसे बोलते, तो वो बताइए।
तो फ्रेंड्स, अगर लोगों को पहले से ही पता लग जाता उसके इरादों का कि वो ये करने जा रहे हैं, तो लोगों ने क्या कहना था, बहुत सी बातें बनानी थी, कहना था कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, बगैर किसी टेक्नोलॉजी के एक अकेला बंदा इतना बड़ा जंगल कैसे उगा सकता है। तो लोगों ने मुख्तलिफ तरह के उसे जो फ्रेजेज और सेंटेंसेज हैं वो हम यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि क्या कहने थे, वही आपने अटैम्प्ट करना है। इसका आंसर फिर आपने लिखना है, द पीपल वुड हैव यूज्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेज। लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के फ्रेजेज यानी कि जुमले इस्तेमाल करते, एंड सेंटेंसेज और जुमले और मुहावरे इस्तेमाल करते। दे हैव कॉल्ड हिम हाफ क्रैक, वो कहते कि इसका आधा दिमाग खाली है, विदाउट अ कॉमन सेंस, इसे तो कोई अकल की बात ही नहीं पता, विद नो पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके पास तो समझने की सलाहियत ही नहीं है, हैव नो आइडिया ऑफ़ द डिफ़िकल्टी, इसे उस मुश्किल का कोई आइडिया नहीं है, ऑफ़ द प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, यानी कि वो जो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले होती हैं, मतलब इस तरह के मुहावरे फ्रेजेज आप कह सकते हैं कि लोगों ने उसके बारे में बनाने थे, बताने थे, लेकिन बुफियर ने क्या किया कि चुप करके अपना काम करता रहा और किसी को पता ही लगने नहीं दिया। जस्ट एक बंदे को पता था कि वो ये काम अकेले बंदे का है, वरना अगर ये सबको पता चल जाता तो लोगों ने इसी तरह से बातें बनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, इट कैन नॉट बी डन। कि ये जो पोइम है जो अभी हमने पढ़ी है, हमारा लेसन, कि ये काम नहीं हो सकता, उसका सेंट्रल आइडिया यानी कि मरकजी ख्याल जो है वो आप लिखिए। तो फ्रेंड्स, हमारा इसका जो आंसर है, सेंट्रल आइडिया कहते हैं कि मरकजी ख्याल, यानी कि पूरे जो पोइम है उसका आप निचोड़ बताएं कि आखिर ऑथर हमें क्या बात समझाना चाह रहे हैं इस पोइम में। तो ऑथर क्या हमसे कह रहे थे कि एक तो ये है कि लोग आपको बहुत बातें बनाएंगे जब भी आप कोई नया काम शुरू करेंगे, और लोग आपको कहेंगे कि आप ये काम कर ही नहीं सकते, तो आपने क्या करना है, बजाय उनका जवाब देने के आपने उनको वो काम करके दिखाना है, और जब आप वो काम करके दिखाएंगे तो यही लोगों को उनकी बातों का जवाब होगा कि जो कहते थे कि नहीं कर सकते तो आपने वो कर लिया है। तो ये था उस पोइम का सेंट्रल आइडिया, लेकिन इसको अटेम्प्ट आपने डिटेल से करना है, आप लोगों ने लिखना है, द पोइम इज अबाउट डूइंग द थिंग्स, ये जो नज़म है हमारी ये काम करने के बारे में है, दैट हैव नेवर बीन डन बिफोर, वो वाले काम जो इससे पहले किसी ने नहीं किए, एंड द थिंग्स दैट पीपल से, और वो चीज़ें जिनके बारे में लोग कहते हैं यू कुड नॉट डू, कि तुम ये काम नहीं कर सकते। इन द पोइम, इस नज़म में, समबॉडी सेज टू द पोइट, पोइट को, हमारे शायर को कोई बंदा ये कह देता है, दैट इट कुड नॉट बी डन, कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, बट द पोइट डिड नॉट रिप्लाइड, लेकिन जो हमारे पोइट हैं, शायर हैं, वो उसको जवाब नहीं देते, बाय मेकिंग दैट थिंग डन, बल्कि उसे वो काम करके दिखाते हैं। दिस समबॉडी फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राइज टू कन्विंस द पोइट, तो ये जो समबॉडी है, मतलब उसने नाम किसी का नहीं लिया, इशारा का है कि कोई मुझे जो अब जो कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, और वही बंदा जो है टाइम टू टाइम, वक्तन फवक्तन, ट्राइज, कोशिश करता है शायर को इस बात पर लाने की, इस बात पर कायल करने की, दैट ही कैन नॉट डू सर्टेन थिंग्स, कि वो ये ख़ास चीज़ें जो हैं वो ये कर ही नहीं सकता, बट द पोइट प्रूव्स हिम रॉन्ग, लेकिन शायर जो है, हिम से मुराद यहाँ समबॉडी है जो बातें बना रहे, शायर उसे गलत साबित कर देता है, बाय डूइंग दैट कुड नॉट बी डन, बाय डूइंग दैट, वो काम करके, कौन सा काम, दैट कुड नॉट बी डन, जो नहीं हो सकता था। द पोइम इज इनक्रेजिंग द रीडर्स, ये जो हमारी नज़म है ये पढ़ने वालों को इनक्रेज कर रही है, उनका हौसला बढ़ा रही है, टू डू थिंग्स, कि वो काम करें, दैट नेवर हैव बीन डन बिफोर, जो काम इससे पहले मुमकिन नहीं हुआ है, इवन इफ एवरी वन इज सेइंग दैट इट कैन नॉट बी डन, चाहे अगर हर कोई यही क्यों ना कह रहा हो कि आप ये काम नहीं कर सकते, फिर भी आप ट्राई ज़रूर करें। द टोन इज़ मोटिवेशनल, उनका जो लहजा है वो मोटिवेशनल है, यानी कि उभारने वाला है नौजवानों को कि गिव अप ना करें और जो है हर हालत में ट्राई करते रहें। ये थे फ्रेंड्स हमारी पोइम इट कुड नॉट बी डन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो कम्प्लीट होता है।